हेलो फ्रेंड्स, सफल सेल्स एंड मार्केटिंग के पार्ट टू में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेल्स के बारे में। तो हम जानेंगे, जब भी आप सेल्स के लिए जाते हो आपके सामने दो चीज़ें आती हैं। एक तो आती है एनरोलमेंट और एक होता है रजिस्ट्रेशन। एनरोलमेंट का मतलब होता है आपने क्लाइंट से बात की, कन्विंस किया, वो सब कुछ कन्विंस हो गया, लेकिन आप ऑर्डर मांगते नहीं हो। आपको लगता है डील आ जाएगी, राइट? और वो बोल देता है ठीक है, आप बोलते कुछ और पूछना, बोलता नहीं, और आप मांग ही नहीं रहे हो, राइट? तो यहाँ पर एनरोल हुआ है, रजिस्टर नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन का मतलब है जब आप पेमेंट लेके उठते हो, तो एनरोलमेंट अलग है, रजिस्ट्रेशन अलग है। तो आपको रजिस्टर करके उठना है वहाँ से, राइट? तो क्लोज करके उठना है, पेमेंट लेके उठना है। जब तक पेमेंट नहीं आएगी तब तक डील क्रैक नहीं हुई है, क्लोज नहीं हुई है। वो बोलता है कल आ जाओ। यहाँ से उठ के जैसे ही आप जाओगे तो कल पेमेंट नहीं आएगा, कल तो फिर पता भी नहीं, क्योंकि यहाँ आपने 45 मिनट्स या 60 मिनट्स लगाए हैं, उसमें जो वातावरण माहौल तैयार किया है वो वातावरण माहौल जो है आपके निकलते ही वो ब्रेक हो जाएगा, और ये पूरा स्टेट ब्रेक हो जाएगा और वो बंदा आपके फनल से निकल जाएगा। तो राइट नाउ अभी के अभी आपने एनरोल किया है, अब आपको रजिस्टर करके क्लोज करना है, आपको मांगना है ऑर्डर वहाँ पर, ठीक है? अब पैसा निकालने के लिए आपको क्या करना है, पांच चीज़ों पर फोकस करना है। पहली जो चीज़ आती है उस बंदे को आपको देखना है, बातचीत में आपको पता करना है इससे जो मैंने बात की है क्या इसके पास मनी है या नहीं, पैसा है या नहीं है, राइट? तो कन्वर्सेशन में आपको पता चलेगा उसका पेइंग कैपेसिटी, जेब में उसके कितना दम है पता चल जाएगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा मेरा कौन सा रेंज का प्रोडक्ट चलेगा यहाँ पर। तो पेइंग कैपेसिटी आपने आइडेंटिफाई कर ली। पेइंग कैपेसिटी आइडेंटिफाई होने के बाद भी नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है आपका अथॉरिटी, क्या ये डिसीजन मेकर है या नहीं। डिसीजन ये लेता है या उसकी वाइफ लेती है, पप्पा के थ्रू डिसीजन लेता है, या बड़े भैया डिसीजन लेते हैं, या ऑफिस में कोई लड़की है उसके थ्रू डिसीजन लेता है, तो कोई इन्फ्लुएंसर है। अपने को आइडेंटिफाई करना है डिसीजन के ये कौन, डिसीजन मेकर कौन है। अगर डिसीजन मेकर ये है जो ठीक है हम आगे बढ़ेंगे, डिसीजन मेकर ये नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, दुकान नहीं खोल रहे हैं, पहले हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने रेट खोल भी दिया, प्रोडक्ट के बारे में बता भी दिया, तो पैसा तो ये देने वाला नहीं है। और हमने सपोज इसको 1000 रुपये एक रेट बोल दिया, हमने खोला है, और जब बोलेगा डिस्काउंट तो हमने 900 कर दिया, बोलेगा ठीक है कल मैं पप्पा को लेकर आता हूँ, कल मैं मेरी मैडम के साथ लेकर आता हूँ, तो मैडम क्या तुमको नहीं लगता 900 और तोड़ेगी, राइट? तो इसलिए गलत आदमी के सामने दुकान नहीं खुलना। बोला अच्छा ठीक है, तो पप्पा के साथ हम अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, फिर हम बात करेंगे इसको सारी चीज़ें, तो डिटेल में बात करेंगे। तो प्राइस ओपन नहीं करना जब तक वो डिसीजन मेकर नहीं रहेगा, अथॉरिटी हो गया। उसके बाद आता है नीड, क्या इस प्रोडक्ट की इसको ज़रूरत है या नहीं है। ज़रूरत है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नीड आप क्रिएट करोगे या कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाओगे वहाँ पर, तो नीड क्यों होना ज़रूरी है। नीड भी है, अथॉरिटी भी है, मनी भी है, उसके बाद भी आपका डील क्रैक नहीं होगा। वो क्या बोलता है, सर ठीक है आपकी बात सही है, अभी लॉकडाउन विकडाउन चल रहा है, पता नहीं आगे का वापस से गवर्नमेंट कुछ प्लान कर सकती है, तो एक काम करते हैं अपन थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा टाइम जान देते हैं, 2 महीने बात करते हैं, एटलीस्ट 30 दिन का टाइम जान दो, 1 महीने बात करते हैं, वो ढकेल रहा है आगे के लिए। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अर्जेंसी क्रिएट करना है, क्यों अभी लेना है और क्यों 1 महीने बाद या 2 महीने बाद नहीं लेना है। लेना है तो अभी लेना, नहीं तो नहीं लेना है। तो यहाँ पर आप अर्जेंसी क्रिएट करोगे, अर्जेंसी भी हो गया, उसके बाद बोलता है ठीक है आप कल आ जाओ, कल पेमेंट देते हैं, और वो पेमेंट देने को तैयार नहीं है। और जैसे ही आप निकलते हो वो किसी घनश्याम को बुलाता है, और वो उसका दोस्त है जिसको सेल्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसने एक रेपो रिलेशन बहुत अच्छा बनाया है, और बोलता है तेरे पास है क्या, और उसको माल उसको ऑर्डर दे देता है। वो आपको फॉलो करते हो, कॉल लगाते हो, कॉल उठाता नहीं है, कुछ टाइम के आपको बात पता चलता है वही चीज़ जो आपने प्रेजेंटेशन दी बहुत अच्छे से दी वो उसने किसी घनश्याम से खरीद ली है, राइट? तो इससे क्या पता चला, घनश्याम ट्रस्ट क्रिएट कर चुका था, बाकी जो कार्यक्रम था आपने क्रिएट कर दिया है। तो टी लास्ट का जो पार्ट टी है, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, तो हमें लास्ट का टी बहुत क्रिएट करना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ मनी आ गया, अथॉरिटी आ गया, नीड, अर्जेंसी और ट्रस्ट, ये 5 चीज़ें जब आप क्रिएट करोगे तब आप जाके आगे बढ़ सकते हो पैसे निकालने के लिए। इन चीज़ों पे आपको काम करना है। दूसरा चीज़ जो होती है, जब हम कंपनीज में देखते हैं 1-to-1 काम करते हैं, तो कहीं कहीं पे एक आदमी डिसीजन मेकर होता है, और मैक्सिमम करके जिस कंपनी में 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, 100 to 500 एम्प्लॉय होते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है, वहाँ पर 1 से ज़्यादा डिसीजन मेकर होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो कभी आदमी अकेला डिसीजन नहीं लेता है। जैसे मैंने अभी टीम बिल्डिंग में आपको बताया था, इसमें सेल्स की वीडियो में बताया था मैंने, एक कंपनी के साथ हम काम कर रहे थे, तो वहाँ पर हमको 1.5 साल लग गया, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी 17 लोग बैठे थे क्लोज करने के लिए, राइट? 17 तो कन्विंस नहीं कर पाए हम, क्योंकि समझ में नहीं आया 1-to-many में कैसे क्लोज करते, एक को कन्विंस कर रहे हैं, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, राइट? और उनके घर का दामाद ज़्यादा बोल रहे थे, और दामाद को हम भाव नहीं दे रहे थे, और दामाद की वजह से डील हमारे हाथ से निकल गई। जब ये सिस्टम हमको समझ में आया, हमने अपने नॉलेज को, स्किल्स को और बढ़ाया, और बाद में जाके हमने वो डील क्रैक की, राइट? तो जो ऑर्गेनाइजेशन में 100 या 500 लोग होते हैं, तो आपको निकालना है इन्फॉर्मेशन कितने पार्टनर्स हैं, इसके अलावा और कौन डिसीजन में बैठता है, उन सब को लेकर आपको बैठना है।
आधे अधूरों के साथ बैठोगे तो धंधा नहीं आएगा। इसलिए गलत टेबल पे गलत लोगों के साथ नहीं बैठना है, सही टेबल पे सही लोगों के साथ बैठना है, और वो सही लोग हमको पहले आइडेंटिफाई करना है। सेल से पहले हमारी तैयारी बहुत जरूरी है, ये इस पर हमको काम करना है। नेक्स्ट पढ़ा था मेजर सेल सक्सेस के लिए हमें फोकस करना है, हमको कभी भी सिंगल सेल पर फोकस नहीं करना है। हमको ये देखना है इस आदमी के साथ जो मैं जुड़ रहा हूँ ना, इससे मेरा लंबा रिश्ता बनने वाला है, इससे जो मेरा रिश्ता बनेगा आने वाले 10 से 20 साल के लिए मेरे को काम करना है। तो 10 से 20 साल के रिश्ते के लिए मेरे को लंबे टाइम का सोचना है, तो मैं वैल्यू बेस्ड कम्युनिकेशन करूंगा उसके सामने। मेरा फोकस ये नहीं रहेगा अभी मेरे को पेमेंट निकाल के अपना भाड़ा भरना है, और ये मेरा अभी क्लोज करके भाड़ा निकालने की वाली हरकत करूंगा ना मैं, तो उसको दिख जाएगा जो मैं कर रहा हूँ, भले ही मैं छुपा रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा, वो समझ जाएगा ग्रीडी आदमी, लालची आदमी खाली अपना माल बेचने के चक्कर में है। लेकिन जब मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचूंगा तब मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचूंगा, उसको बताऊंगा उसके लिए क्यों जरूरी है, कैसा है, तो उसको लगेगा सही में यार ये मेरी परवाह कर रहा है, मेरी इसको चिंता है, ये आदमी अच्छा आदमी है, राइट। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग करना है हमको, लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करना है, अभी की सेल पे फोकस ही नहीं करना है। हमको ये सोचना है सेकंड और थर्ड सेल हमको निकालना है, इसके साथ रिपीट बिजनेस लेना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब तुम उस तरह से काम करोगे तुम्हारा पहला सेल हो गया, सेकंड थर्ड में तुमको क्लोज करने टाइम लगेगा, तुरंत एक झटके में तुम्हारा क्लोज हो जाएगा, राइट। तो तुमको इन चीजों पर फोकस करना है। नेक्स्ट चीज आती है साइकोलॉजी ऑफ क्लोजिंग। जैसे ही हम सेल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, सेल्स के लिए आगे बढ़ेंगे, तो अंदर से फियर आता है, अंदर से फियर आता है, हम ऑर्डर मांगते नहीं है। क्यों नहीं मांगते? हम बोलते हैं इतना अच्छा रिलेशन बनाया, अगर मांगेंगे ना, इसने मना कर दिया, एक झटके में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी हमारी। सेम उसी तरह से क्या होता है, जिस बंदे के साथ हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, उसको भी लगता है कि अगर मैंने इसको हाँ बोल दिया, इसको मैंने अगर हाँ बोल दिया तो मेरे हाथ से ऑर्डर निकल जाएगा, राइट। तो वो भी अवॉइड करता है चीजों के लिए। तो हमें क्या करना है, मांगना है, बिना मांगे मिलेगा नहीं। मांगने से क्या होगा, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं मांगेंगे तो पक्का नहीं मिलेगा, राइट। तो ऑब्जेक्शन तो आना ही है सेल्स करने जाएंगे, और कितने ऑब्जेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शन आएंगे हमारे सामने 6 ऑब्जेक्शन आएंगे सेल्स के लिए, 6 ऑब्जेक्शन आएंगे। कुछ सेल्स पहले ऑब्जेक्शन में क्रैक हो जाएगी, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में तो क्लोज हो जाएगी, राइट। और वो ऑब्जेक्शन आप जमा करोगे, हफ्ते भर आपने काम किया, पूरे हफ्ते में आपके सामने अलग अलग तरह के ऑब्जेक्शन आए, वो ऑब्जेक्शन जो आप क्लस्टर करके डालोगे, 150-150 ऑब्जेक्शन रहेंगे, वो 6 कैटेगरी के ऑब्जेक्शन रहेंगे। पहला ऑब्जेक्शन जो आएगा आपका, आएगा प्राइस से रिलेटेड, आपका प्राइस बहुत ज्यादा है, बाजू वाला इतने में दे रहा है तो हम आपको इतना क्यों दें। सेकंड ऑब्जेक्शन आएगा क्वालिटी ऑब्जेक्शन, आपकी क्वालिटी पे हमको भरोसा नहीं है। नेक्स्ट आएगा आपकी कैपेसिटी, आप उस तरह का माल दे नहीं पाओगे, राइट। हम आपने अभी 10 लाख वाले के साथ काम किया, हमारी कंपनी 500 करोड़ पे है, तो आप कैसे काम कर पाओगे? आपने 1 CR पे किया, हम तो 500 CR पे, आपको समझेगा नहीं, जो हमने कंपनी क्लोज की थी वो 500 करोड़ की थी, राइट। तो आपकी कैपेबिलिटी का ऑब्जेक्शन आ सकता है, कॉम्पिटिटर का ऑब्जेक्शन आ सकता है, हम तो आपके कॉम्पिटिटर से ले रहे हैं, तो हम आपसे क्यों लें, वो तो मार्केट के इतने पुराने दिग्गज है, राइट। रेपुटेशन का ऑब्जेक्शन आ सकता है, हमने आपका रेपुटेशन के बारे में आपसे बात कर सकते हैं, वो आपसे न्यूनेस के बारे में बात कर सकते हैं, आपका नाम नहीं सुना है, आप तो एकदम नए मार्केट में। ऐसे अलग 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 कैटेगरी के ऑब्जेक्शन आएंगे, और हमको क्या करना है, उन ऑब्जेक्शन को जमा करके उनके सॉलिड प्रूफ आंसर प्रिपेयर करना है। अब मैं बताता हूँ किस तरह से आएगा ऑब्जेक्शन। ब्रेकफास्ट है सेल्स का, तो मेरी टीम जब कॉल करती है किसी क्लाइंट को, तो कॉलिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्शन आता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, जब वो बोलेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो टाइम पे रिवर्स क्लोज मारना है। रिवर्स क्लोज में क्या बोलना है, वो बोलेगा नॉट इंटरेस्टेड, तो हम उसको बोलते हैं सर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया है। बोलता है सॉरी समझा नहीं मैं, क्या बोला आपने? सर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इसीलिए मैंने आपको कॉल किया, क्योंकि मेरे जितने भी सेटिस्फाइड लॉयल क्लाइंट हैं उन्होंने पहली बार में मेरे को यही बोला है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन मुझसे मिलने के बाद उनकी ओपिनियन चेंज हुई है, और मुझे एक मिनट, मुझे पूरा यकीन है जब मैं आपसे मिलूंगा तो आपकी भी ओपिनियन चेंज होगी, और आप भी कल मेरे को मेरे सेटिस्फाइड लॉयल क्लाइंट की लिस्ट में आने वाले हो, राइट। तो यहां पर आपने रिवर्स क्लोज मारा, पैसा नहीं है सर, पैसा नहीं है इसीलिए आपको लेना है, सॉरी क्या बोला आपने, राइट। तो ये रिवर्स मारा, जो बोला उसको उल्टा मारना है उसको। तो उसने बोला मेरे को इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मेरी टीम ने इतना, उसने इंटरेस्टेड नहीं, उस पर इतना लंबा आंसर दे दिया उसने, राइट। आप इंटरेस्टेड नहीं हो सर इसीलिए हमने आपको कॉल किया, क्योंकि मेरे जितने भी सेटिस्फाइड लॉयल क्लाइंट हैं उन्होंने पहली बार मेरे को यही बोला है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और मुझसे मिलने के बाद उनकी ओपिनियन चेंज हुई, और मुझे पूरा यकीन है कल जब हम मिलेंगे तो आपकी भी ओपिनियन चेंज होगी, और आप भी मेरे सेटिस्फाइड लॉयल क्लाइंट की लिस्ट में आने वाले हैं, तो कल सुबह हम 10 बजे मिल सकते हैं या 4 बजे मिल सकते हैं। बोलता है वाह, पूरा कहता क्या लड़की है, क्या बढ़िया बात कर रही है। तो हंसने लगता है, बोलता है मैडम कल मैं नहीं हूँ। उसने क्या किया, सेकंड तीर छोड़ दिया, सेकंड ऑब्जेक्शन छोड़ दिया, कल मैं नहीं हूँ। तो ये लड़की क्या बोलती है अपनी यहाँ से, सर आप कल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं परसों आ जाती हूँ, मैं तो उसी टेरिटरी में हूँ अभी, तो काम कर ही रही हूँ मैं। तो बोलता मैडम मैं 7 दिन तक हुई नहीं, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। अच्छा फैमिली के साथ जा रहा है? बोले हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ। तो क्या हिल साइड वगैरह जा? बोले हाँ खंडाला जा रहा हूँ मेरी फैमिली के साथ। अच्छा सर जाकर आइए, बहुत अच्छी जगह है, अभी तो टाइम भी है, जाकर आप आइए, काफ़ी लोग बैठ बैठ के फंस गए, अच्छा आप इन्जॉय करके आइए, और वो कैलेंडर लेके बैठो आप वहाँ पे, और देखो 7 दिन का डेट क्या आ रही है, और 8वें दिन की डेट दे दो। तो ठीक है सर एक काम करते हैं, 20 तारीख को मैं आ जाती हूँ,
आप जाकर आ जाओ, 19 को आ जाओगे? बोले हाँ 19 को आ जाऊंगा। तो 20 तारीख को मैं आपके ऑफिस में आ जाती हूँ। वो बोलता है मैडम आप आओगे लेकिन आने से पहले चलेगा, लेकिन आप आ जाओ, आने से पहले फ़ोन कर लेना। उसने क्या किया, वापस से एक ऑब्जेक्शन छोड़ दिया। तो ये क्या बोलेगी, यस बोल के रख देगी, लेकिन जब 20 को कॉल करेगी जो फ़ोन उठाने वाला नहीं है ये, तो क्या बोलती है, सर मैं कॉल नहीं करूँगी, 20 तारीख को मैं आपके ऑफिस में आ जाऊँगी, इन केस अगर आपका कोई प्लान चेंज होता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, वरना चाय साथ में पिएंगे। सर चाय तो पिलाओगे ना? अरे मैडम क्यों नहीं पिलाएंगे, आप आइए आइए पिलाएंगे। और यहाँ पर सर डील क्रैक कर मतलब उसको करके और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेती है और वहाँ पर पहुँच जाती है। अब या तो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो उसके ऑफिस के स्टाफ मिलेंगे जिनसे हमारी दोस्ती हो जाएगी, और कल को फिर वो लोग हमको बताएंगे सर आए कि नहीं आए। समझ में आ रहा है? तो ये ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन तो आएंगे आपके सामने, इस पर आपको काम करना है। नेक्स्ट चीज आती है, जब आप क्लोजिंग क्वेश्चन मारोगे ना, क्लोजिंग क्वेश्चन मारोगे तो उस टाइम पे प्रेशर ऑफ साइलेंस क्रिएट करना है। प्रेशर ऑफ साइलेंस, जैसे आपने बोला कि सर अभी आपको करना है तो अभी करना है, तो इस इज द राइट टाइम, और अभी ये बेस्ट टाइम है आपको, आपको एक दिन तो खरीदना ही, बोले हाँ खरीदना है, और आप चाहो तो बेटर दाम में मिलना चाहिए, हाँ, और आप चाहते हो सारी चीज़ें होना चाहिए, रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, बराबर है। तो सर मैं बोलना चाहूँगा कि अभी लो और ये अभी करना है अपने को, और बोल के आप मुंह बंद करके बैठ जाओ ऐसे करके, कुछ भी नहीं बोलोगे, मुंह बंद करके बैठोगे, इसको इससे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है इसके ऊपर, और साइकोलॉजिकली वो देखता है ऐसे करके देखता है। वो साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस चुका है, वो यहां दिख रहा है वहां दिख रहा है, वो सोच रहा है मेंटली कि कहां से पेमेंट देना है। इसमें जो पहले बोलेगा वो हारेगा, उसके मुंह से पहला वर्ड निकलेगा तो वो हारेगा, उसकी पेमेंट जॉब पॉकेट से पेमेंट आएगा आपके पास, और अगर आप बोलोगे तो आपके से डील निकल जाएगा, राइट। तो ऐसा कितने भी डालेगा, बैठे रहो देखते रहो, और फिर आप बोल देते हो सर पेमेंट कैसे दोगे, बोलता नहीं पेमेंट नहीं दूंगा मैं, बाद में करते हैं। तो आपको मुंह बंद करके बैठना है, स्टेट ब्रेक नहीं करना, उसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, वो सोच रहा है पेमेंट कहाँ से दूँ, कैसे दूँ, कौन सी बैंक से दूँ, यस बैंक से दूँ या SBI से दूँ, लड़की का को भी कमिट किया है, उसको गाड़ी दिलाना था मेरे को, उसको बोला था मैंने, और ये पेमेंट इनको भी देना है, सोच रहा है। फिर वो बोलता है, फिर सोचता है अच्छा तो पेमेंट कैसे देना है, कितना देना है, तो आप बोलते हो इतना परसेंट अभी दो और इतना करके, और फिर बैठ जाते हो, राइट। उसका मुंह से जो पहला वर्ड निकलेगा पेमेंट से रिलेटेड निकलेगा, और समझ जाओ डील क्रैक होगी, और फिर आपको पेमेंट लेके उठना है वहां से। तो प्रेशर ऑफ साइलेंस यूज करना है, इसी से पैसा आएगा, राइट। इन सारी चीज़ों को आपको यूज करना है सेल्स के लिए, राइट। और ये जब आप करोगे तो खतरनाक चीज़ें आपके अंदर दिखाई देंगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी, और अपनी स्किल्स पे लगातार काम करना है, हमको अपनी धार बढ़ाते रहना है, धार करते रहना है, राइट। अगर हम खाली झाड़ पूरा दिन काटते रहेंगे तो 2 से 3 काट पाएंगे, बाद में धार खत्म होगी, निकाल रहे हैं बहुत एनर्जी जाएगी, बहुत टाइम जाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन वही आप 55 मिनट का धार लगाना शुरू कर दो, हर 50 मिनट की धार लगाना शुरू कर दो, तो आप ज़्यादा डिलीवर कर पाओगे। तो ये धार जो है अपनी स्किल्स, अपनी लर्निंग पे यहाँ पे काम करना है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में और गहराई में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।